तो आज हम करेंगे एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड सिंथेसिस पर्मिटेड। वैसे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में तीन स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में एसिटाइल को ए और NADPH की फॉर्मेशन होती है। दूसरे स्टेप में एसिटाइल को ए मेलिनॉइल को ए में कन्वर्ट होता है। तीसरा स्टेप हम पढ़ रहे हैं जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन होता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स का। अब फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यूकेरियोट्स में इस मल्टी फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स के 4-फॉस्फोपेंटेथीन के साथ असाइल कैरियर प्रोटीन अटैच होती है, मगर प्रोकैरियोट्स में वो सेपरेट होती है। तो यहाँ पे हम इसके रिएक्शंस देखेंगे कि पहले एसिटाइल को ए क्या करेगा कि अपना 2-कार्बन यूनिट एसिटाइल को ट्रांसफ़र करता है टू द सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब सिस्टीन रेजिड्यू के पास इसने जो ट्रांसफ़र किया उसको कैटालाइज किया एसिटाइल को ए एस पी ट्रांसएसाइलेस एंजाइम में। अभी भी जो ए एस पी यानी असाइल कैरियर प्रोटीन वाला जो फ्रेगमेंट है वो वैकेंट है। तो मेलिनॉइल को ए कंपाउंड क्या करेगा कि ये अपना मेलिनॉइल ग्रुप इस ए एस पी वाले फ्रेगमेंट के साथ अटैच कर देगा और उसको कैटालाइज करेगा मेलिनॉइल को ए एस पी ट्रांसएसाइलेस एंजाइम। दोबारा से क्या होता है कि जो ये एसिटाइल सिस्टीन रेजिड्यू के साथ अटैच था वो इस मेलिनॉइल ग्रुप के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये बना देगा असाइल मेलिनॉइल कंपाउंड विच इज़ कैटालाइज बाय द असाइल मेलिनॉइल एंजाइम। ठीक है, अब ये जब असाइल मेलिनॉइल बन गया तो ये दोबारा क्या करेगा यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उसने रिलीज़ किया। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई तो ये असाइल मेलिनॉइल जो मियोटी है ये कन्वर्ट हो जाएगी बीटा कीटो असाइल एएसपी में, कैटालाइज्ड बाय द बीटा कीटो असाइल एएसपी सिंथेस, क्योंकि बन रहा है तो सिंथेस है। ये कैसे बना? डीकार्बोक्सिलेशन से। अब बीटा कीटो असाइल एएसपी क्या करेगा, ये अपना कीटो असाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किस में? हाइड्रोऑक्सीसाइल ग्रुप में। जैसे ही हाइड्रोऑक्सीसाइल ग्रुप में रिड्यूस करेगा तो हमें क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोऑक्सीसाइल एएसपी कैटालाइज बाय द बीटा कीटोसाइल एएसपी रिडक्टेस, क्योंकि इसने रिड्यूस किया है। अब बीटा हाइड्रोऑक्सीसाइल एएसपी कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस इनोल एएसपी में बाय द हेल्प ऑफ बीटा हाइड्रोऑक्सीसाइल एएसपी डीहाइड्रेटेस। डीहाइड्रेस क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई है? डीहाइड्रेशन हो गई है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना है अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो गई, इंट्रोड्यूस हो गया है। अब ये इनोइल ए एस पी बाय द हेल्प ऑफ द इनोइल ए एस पी रिडक्टेस के जरिए फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ए असाइल ए एस पी में। और ये जो ब्यूटोराइल के रहे ना, ये एक 4-कार्बन यूनिट है जो कि एस पी के साथ अटैच होता है लास्ट में। अब जो भी कार्बन चेन इस एस पी के साथ अटैच है ये ट्रांसफर हो जाती है सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ द फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। अब क्या होता है कि फाइनली 2-6 टाइम्स ये सेकेंड वाला जो स्टेप है ये वाला और ये जो लास्ट 6 स्टेप है ये 2-6 टाइम्स ये रिपीट होता जाएगा और 2-कार्बन यूनिट से ये फैटी एसिड चेन लेंथन करेगी। फाइनली हमें जो ये पर्मिटेड मिला, बेसिकली पर्मिटेड अभी तक जो है इस फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है। तो पर्मिटाइल थायोईस्टरेज एंजाइम क्या करेगा कि इस फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स से ये अपना पर्मिटेड सेपरेट कर देगा और हमें फाइनली क्या मिलेगा? पर्मिटेड।